अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। अभी हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ेस लॉ के ऊपर, ठीक है। अभी हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन जो होगी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज से हम इसको जो है वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लें कि अगर आपसे पूछी जाती है इम्पॉर्टेंस ऑफ गाज़ेस लॉ, कि अगर आपसे गाज़ेस लॉ की अगर आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, तो हमने देखा था कि गाज़ेस लॉ एक्चुअली वो बताता है कि अगर आपके पास इनक्लोज सरफेस हो उसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हो तो उनका नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आएगा, ठीक है। अब उसने यहाँ पर कहा है कि हो सकता है कि हमारे पास चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन अलहदा अलहदा हो। कहीं पर आपको एक बहुत बड़ी शीट दी जाए उसके अंदर चार्जेस हों तो पूछा जाए, कहीं हो सकता है लाइक डिफरेंट ऑपोजिट प्लेट्स हों और उनकी फ्लक्स जो है वो देखा जाए, तो कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक गैलियन सरफेस जो है इसको देखेंगे, कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि आगे जाके हम ना मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जब बात करेंगे तो उसमें हमने एक एम्पेरियन सरफेस लेना है। तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा गाज़ेस लॉ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ काम करेगा, और जो हमारा जो आगे चल के एम्पेरियन सरफेस होगा ना, एम्पेरियन सरफेस एम्पेयर लॉ के नाम से एक लॉ है जो हमें बताता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है, तो वो वहाँ पर अपना एक एम्पेरियन सरफेस लेकर आता है। तो आपने इन चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करना होता। डिफरेंट चार्ज इन क्लोज इन सर्फेस, आगे हम इसकी जो है वो एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज़ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर, ठीक हो गया। होलो चार्ज्ड स्फीयर, हमारे पास एक लाइक होलो स्फीयर होगा, होलो अंदर से खाली, चार्ज्ड का मतलब है कि आउटसाइडली उसको जो है वो चार्ज किया हुआ, दिस इज़ कॉल्ड अ होलो चार्ज स्फीयर। हमने क्या किया यहाँ पर कि अपना गैलियन सरफेस ले लिया, कि उसके अंदर ही आपने एक और सरफेस बना लिया जहाँ पर हम उस चार्ज को स्टडी करने वाले हैं, कि हमारे पास आउटसाइड चार्ज है, अंदर उसके खाली है, और अंदर हम देखेंगे कि उस चार्ज की वजह से इस सरफेस के अंदर, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितनी फील्ड है। बाहर तो होगी ही, अंदर कितनी फील्ड है, तो वो अंदर इसके ये कहता है जी कि हमने एक गैलियन सरफेस ले लिया जिसका रेडियस जो है वो कम होगा, लाइक इसके अंदर ले रहे हैं तो इसका रेडियस ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, ओके। इंडिकेटेड होलो द सर्फेस द स्फीयर इन द गैलियन सर्फेस, लेट सिग्मा बी द फ्लक्स थ्रू द सर्फेस एंड इट कैन बी सीन द फिगर दैट द गैलियन सर्फेस दैट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गैलियन सर्फेस इज ज़ीरो। गैलियन सर्फेस के अंदर चार्ज ज़ीरो है, कैसे कह सकते हैं वो चार्ज ज़ीरो है, वो इसलिए कि उसने आउटसाइड, लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर होता तो इसका मतलब था कि इनसाइड है चार्ज, अब चार्ज हमारा आउटसाइड पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि अंदर चार्ज ही नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो उसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब यहाँ पर फ्लक्स ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है कि फ्लक्स हमें पता है ई डॉट ए के अंदर होता है, अब एरिया तो ज़ीरो होने से ला क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू है, ई हमारा ज़ीरो था, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। सॉरी, ऊपर मैंने आपको एक चीज़ शायद सही से नहीं बताई है कि एम्पेयर्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर पाएंगे ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको गलत बता दिया था कि फ्लक्स फाइंड करते हैं हम, इसे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें अब पता है कि अगर हमारे पास एक इनक्लोज सरफेस हो और उसके आउटसाइड पर कोई भी चार्ज हो तो उसकी वैल्यू जो होगी ज़ीरो होगी। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं वो होती हैं जी हमारी, यहाँ पर देख लें कि अगर हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात करते हैं द इंटीरियर ऑफ होलो चार्ज मेटल स्फीयर इनसाइड द फील्ड रीजन ज़ीरो, फॉर एग्जाम्पल शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड, कि अगर हमारे पास एक इनक्लोज सर्फेस हो और यहाँ पर देखें इसके आउटसाइड पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर अगर हम कोई भी कंपोनेंट रख देंगे तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है वो महफूज रहेगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक्ट नहीं करेगी। अब ये जो चीज़ है का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है, आप लोग पढ़ गए हुए हैं। इलिमिनेट द स्ट्रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरफेरेंस सर्किट्स ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज़ टीवी एंड कंप्यूटर्स आर ऑफ्टन इनक्लोज विद मेटल बॉक्स, इसी मेटल बॉक्सेस के अंदर उन चीज़ों को रखा जाता है ताकि उसका अगर बाहर वाला पोर्शन चार्ज्ड भी हो जाए किसी वजह से तो अंदर वाली जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ओके। और आपको समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, और आगे हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।